फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वेबसाइट चलाने के लिए सबसे पहले तो सर्वर की जरूरत होती है। अब सर्वर इंस्टॉल करेंगे हम अपनी वेबसाइट के लिए वैम्प सर्वर। ये वैम्प सर्वर का लिंक है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इस फ्री डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वैम्प सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ नीचे आपका वैम्प सर्वर डाउनलोड हो रहा है। आपका वैम्प सर्वर डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड फोल्डर में जाकर ये आपका वैम्प सर्वर का आइकन आपको दिख रहा है। आप जब वैम्प सर्वर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा सेटअप आ जाएगा। आपको किस तरह इंस्टॉल करना है वैम्प सर्वर को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं वैम्प सर्वर को अपने पीसी पर। अब यस पर क्लिक करें। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट आप कौन सी करना चाहते हैं, इंग्लिश। ओके, आई एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैम्प सर्वर की जो फाइल है वो 209 MB की है, 209 MB की है, तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो वेट करें इंस्टॉल होने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमारा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वो पूछ रहा है कि क्या आपको दूसरा कोई ब्राउज़र सिलेक्ट करना है, अगर नहीं करना तो क्लिक कर देंगे नो पर। सिमिलरली वो पूछ रहा है आपसे कि आपको अपना टेक्स्ट एडिटर नोटपैड के अलावा कोई और सिलेक्ट करना है, नहीं करना तो क्लिक कर देंगे नो और इसे इंस्टॉल होने देंगे। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी, तो इसमें थोड़ी वार्निंग्स और सब लिखा हुआ है, आप इसको रीड करना चाहें तो कर लें, बाकी इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और आपका ये सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। आप फाइनली फिनिश पे क्लिक करें। अब हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हम लोग वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेंगे। इस डाउनलोड वर्डप्रेस पे ये वर्डप्रेस जो है डाउनलोड हो रहा है। ये वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो आप डाउनलोड्स में जाकर देखेंगे तो आपको वर्डप्रेस की एक जिप फाइल दिखाई देगी। आप उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वर्डप्रेस 4.8 नाम से। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास अब एक नया फोल्डर आ चुका है वर्डप्रेस 4.8 के नाम से। आप जब इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी आपकी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें वेबसाइट बनानी है अपने लिए। तो सपोज करो हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो हम रखते हैं सैम्पल।
तो अब हम सी ड्राइव में जाएंगे। अब मेरा जो लैपटॉप है वो 64 बिट का, इसलिए यहाँ पर रैम 64 बिट आ रहा है। इसको ओपन करेंगे, www में जाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे उस नाम से जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट का नाम जानते हैं, सपोज सैम्पल डॉट कॉम। अब जो हमने वर्डप्रेस का फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है डाउनलोड में, उसके अंदर के जितनी भी फाइल्स हैं आप उन सबको कॉपी करें और सी ड्राइव वैम www में सैंपल वाले फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हमें उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है। अब जो भी हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हमें होस्ट चाहिए होंगे अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए, तो होस्ट को हम दो स्टेप्स में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप वैम सर्वर को ओपन कीजिए, और उसके बाद हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वैम सर्वर ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा। अब जब फाइनली ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आप अब वैम सर्वर को यूज कर सकते हैं अपने। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का हो गया, तो अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे हमें जाना है HTTPD होस्ट कॉन्फ़िग फाइल में। जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं ये वर्चुअल होस्ट एक ऐड किया हुआ है, तो आप इस वर्चुअल होस्ट वाले कोड को कॉपी कीजिए और इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो भी आपने अपना फोल्डर का नाम रखा है, जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रख रहे हैं, जैसे कि इसमें हमने रखा है sample.com, हम उस नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लोकल होस्ट की जगह। इसी तरह www का आगे स्लैश डाल के सैम्पल और इधर भी सैम्पल। अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे। अब सेकंड स्टेप है हमें होस्ट फाइल में एडिट करना है। नोट पैड को हम एडमिन की तरह ओपन करेंगे। नोट पैड पर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रन एस एडमिन, यस। अब हमें होस्ट फाइल ओपन करनी है। जो हमारी होस्ट फाइल है वो हमारी सी ड्राइव में विंडोज़ के बाद System32 ड्राइवर्स ETC में होती है। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे होस्ट और एंटर, आपकी ये होस्ट फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको आपका पहले इसमें लोकल होस्ट ऐड है, तो आपको अपने लिए भी एक होस्ट ऐड करना है। कॉपी करना है इसे हैश को छोड़ के, हैश कमेंट के लिए यूज़ होता है। अब अपनी वेबसाइट का नाम, जो आपने फोल्डर का नाम दे रखा था sample.com, अब इसे भी सेव कर दीजिए और बंद कर दीजिए। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप हमें इसमें करना है वो क्या करना है, अपने अपाचे को रीस्टार्ट करना है। सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर रीस्टार्ट सर्विसेज। अब जैसे ही हमारा वापस ये ग्रीन हो जाएगा मीन्स वो रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे वैम सर्वर पर क्लिक करेंगे और लोकल होस्ट में जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फाइल के नीचे हमारा प्रोजेक्ट अब आ चुका है sample.com। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका sample.open.com नाम का प्रोजेक्ट ओपन होगा। अब ये आपसे कॉन्फ़िग सेटअप के लिए पूछेगा। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है इंग्लिश। अब ये आपसे मांग रहा है डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का यूजर नेम और डाटाबेस का पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस प्रीफिक्स। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें वेबसाइट चाहिए होती है उसमें जो भी डाटा है उसको सेव कराने के लिए हमें डाटाबेस चाहिए होता है। तो डाटाबेस के लिए हम वैम सर्वर पर जाएंगे और PHP माई एडमिन में डाटाबेस को क्रिएट करेंगे।
बाय डिफॉल्ट जो पीएचपी माई एडमिन का यूजर नेम है वो रूट होता है और पासवर्ड जो है वो खाली होता है। तो आप यूजर नेम में रूट डालिए और पासवर्ड में खाली छोड़कर गो पर क्लिक करें। ये आपका पीएचपी माई एडमिन खुल चुका है। अब आप न्यू पर क्लिक करेंगे। नया डाटाबेस हमें बनाना है। सपोज हमारे डाटाबेस का नाम है, हमने रखना sample.com। कोलेशन में हमने सिलेक्ट करनी है किस टाइप का हमारा डाटा होगा। हमें केस इनसेंसिटिव डाटा चाहिए होता है तो हम लेंगे UT8 जर्नल केस इनसेंसिटिव। CI का मतलब होता है केस इनसेंसिटिव और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसे बंद कर दीजिए। अब लेट्स गो पे क्लिक करें। अब अपने डाटाबेस का नाम यहाँ पर ऐड कराएं, sample.com। यूजर नेम हमने रखा था रूट और पासवर्ड में हमने कुछ भी नहीं डाला था, ये एम्प्टी। सबमिट। अब इस पर क्लिक करेंगे रन एंड इंस्टॉल। अब यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टाइटल डाल सकते हैं। सपोज हमने डाला sample.com, उसके बाद यूजर नेम में हमने डाला सैम्पल एडमिन। और आप ये पासवर्ड फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हैं क्योंकि आगे जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको इस पासवर्ड के लिए ज़रूरत होगी अगर आपको अभी भी अपनी वेबसाइट में अपडेट करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, ईमेल आईडी, लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम हमने लिया सैम्पल एडमिन। पासवर्ड जो भी अभी हमने लिया था ये वाला, ये पासवर्ड हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब लॉगिन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है वर्डप्रेस। अब आप sample.com पे क्लिक करके देख सकते हैं ये हमारी वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम होती है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए वैसे चेंजेस कर सकते हैं डैशबोर्ड में जाकर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।